हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। राइट नाउ करंट ही पता करेंगे करंटली क्या है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप आराम से देख सकते हैं। आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको लेकर, ये मैं पता लगाऊंगी और रीडिंग के एंड में आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे। जो भी उनके मन में होगा उसके अकॉर्डिंग डिवाइन क्या गाइड करेंगे आपको, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं। कार्ड आ गया हमारे पास, क्रिएटिविटी। ओके, सेक्सुअलिटी, लाइफ पर्पस, डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड तो बहुत ही टाइम बाद आया। ओके, दो कार्ड एक साथ आए हैं, मैनिफेस्टेशन एंड द गार्डनर एंड द गार्डन। ओह माय गॉड गाइस, यहां पर है द गार्डनर और यहां है गार्डन। ऐसा लग रहा है जैसे इसके मन में है कि ये जल्दी जल्दी से अपना इनर वर्क करे, अपना मैनिफेस्टेशन करे, अपने अचीवमेंट्स हासिल करे और आपके लिए गार्डन बनाए जहाँ पर आप रिलैक्स कर सको। इसका मतलब है ये पर्सन हार्ड वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ताकि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे पाएं, आपको वो हर चीज़ दे पाएं जो आप डिज़र्व करते हैं। द गार्डनर एंड गार्डन, गार्डनर अपने गार्डन को क्रिएट करने में लगा हुआ है आपके लिए। दिस इज़ ये आपके पार्टनर हैं एंड ये आप हैं। तो ये पर्सन काफी हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओके, और यस, नो डाउट कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना हार्ट चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा एंड सैक्रल चाक्रा पर काम कर रहे हैं। आपके लिए काफी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेकर। आप दोनों क्रिएटिव फील्ड में हैं आई थिंक, या आपकी कुछ हॉबीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, लाइक डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, आर्टिस्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ इस तरह का है। एडवेंचर भी हो सकता है, काफ़ी एडवेंचरस भी हैं आप दोनों। ये पर्सन आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मान रहे हैं। आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा साइन या इनका नाम आपके सामने आया होगा, बहुत बार आया होगा। याद तो किया इस पर्सन ने आज आपको, बहुत याद किया है आपको, मैनिफेस्ट भी किया है, आपने भी इनको मैनिफेस्ट किया आज के दिन। एक दूसरे के लिए प्रेयर करना, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना, ये सब आप दोनों कर रहे हो। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक है, इस पर्सन को समझ में आ रही है ये बातें। फिलहाल तो उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट फीलिंग्स और सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपको लेकर। इसको लग रहा है कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और जल्द से जल्द इसको अपने जो भी काम है वो कर देने चाहिए, ताकि आप दोनों का यूनियन हो सके। ये पर्सन आपके पिक्चर्स वगैरह भी देख रहे हैं, आपके साथ जो भी चैट हुआ है उसको पढ़ भी रहे हैं। आज के दिन तो ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दिल से सोच रहे हैं, फीलिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, और इन सारी बातों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिवॉर्ड मिल जाए, अवार्ड मिल जाए इस कनेक्शन को लेकर, जो भी मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाए। ये पर्सन अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं राइट नाउ। आपको फील भी हो रहा होगा, काफ़ी आज रोमांटिक फील हो रहा होगा, लाइक वाइब्स आप गेट कर रहे होंगे अपने पार्टनर की तरफ से, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलो यहां से देखते हैं अभी टैरो से क्या आता है। ओके,
ओके एक कार्ड आ गया हमारे पास, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। से काफी अकेला फील कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि आज के दिन इसने आपको अकेला छोड़ा हुआ है, जो कि सही नहीं है। टावर, पर ये करे भी क्या, यहाँ पे टावर मोमेंट है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी गाइस बहुत चीजें हैं इसके मन में, दिमाग में, जो ये आपसे छुपा रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, टू टाइम फोर कार्ड, फोर नंबर आया दो बार। ये कनेक्शन इसने पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है, तभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, इतनी सारी फीलिंग्स होने के बाद भी देखो कैसे अकेले खड़े हैं, बेबस से खड़े हैं, टेंशन में खड़े हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज टावर मूवमेंट है अभी यहाँ पर। तो इनके मन में तो बहुत अच्छा है आपको लेकर, इसका तो मन है कि अभी अगर आप कोई आप इसके सामने आ जाओ तो ये आपको प्रपोज भी कर देंगे, लेकिन अभी देखो ना हीलिंग पर है, इनर वर्क कर रहे हैं, तो अभी कैसे ये ऑप्शन या फिर ये मोमेंट आ जाएगा आपकी लाइफ में कि आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर सको, अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पर्पस पे काम करना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका करियर आगे आ रहा है, आप दोनों के कनेक्शन में करियर भी आगे आ रहा है, अगर अब थर्ड पार्टी नहीं है तो करियर है। ओ वाओ, देखो ये वाला कार्ड अभी आया था ना, गिरा था, लवर्स, यस, ये कनेक्शन डिवाइन फेमिनिन आ गया, तो गाइज यस आप लवर्स के कनेक्शन में ही हैं, ये तो क्लियर है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं आपको देखने के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस चाहिए, प्रॉपर बैलेंस, तभी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड एट ऑफ सोर्ड्स, देखो फिलहाल ये पर्सन आपसे बंधे हुए हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो अब मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, बहुत बहुत ही एक स्ट्रेंज एनर्जी से बाहर निकला है आपके पार्टनर, हो सकता है थर्ड पार्टी थी, हो सकता है वर्क ऑब्सेशन था, वर्क ऑब्सेशन तो अभी भी है, लेकिन अभी फिलहाल जो जैसे नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन सिंगल है, आज के दिन बहुत अकेला फील कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या बेटर एक्शन ले सकते हैं, क्या स्टैंड लेना है इसको, क्योंकि ये आपके साथ आज भी स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आज भी लवर्स का कनेक्शन ही फील करते हैं, और आपको जब बहुत याद आती है तो सोशल मीडिया पर स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, और ये वही कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है और ये कनेक्शन लवर्स का है, तो ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, लेकिन हाँ यहाँ पर टावर मूवमेंट है, तो इस पर्सन ने अभी सोच रहे हैं ये कि पहले इसी को निपटा लूँ मैं, ठीक है, इन्हीं को ख़त्म कर लूँ, इसीलिए ये कनेक्शन इसने सरेंडर किया हुआ है, टोटली सरेंडर किया हुआ है इस पर्सन ने कनेक्शन। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे कहनी है इस पर्सन को, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, ये बातें सारी अभी सीक्रेट पर ही रखी हुई है, अभी कुछ भी रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना मुझे जो दिख रहा है ये पर्सन, जैसे कि यहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे जो दिख रहा है ये पर्सन ना, जब तक 100% इसको श्योरिटी खुद से नहीं हो जाती, तब तक ये कुछ भी बोलते नहीं है, बहुत नाप तोल के, बहुत ही ज़्यादा देख कर जो कह रहे हैं वो कहाँ तक जाएगी बात, कितनी वर्क करेगी कितनी नहीं करेगी, कि तभी तभी बोलेंगे ये पर्सन, जब जब तक इसको सही से नहीं लगेगा कि अभी राइट टाइम नहीं है, तब तक ये नहीं बोलेंगे, तब तक ये बातें छुपाएंगे, लेकिन वाइब्स कैसे छुपाएंगे जो आप तक पहुंच रही है, जैसे कि आपको आपको भी फील आ रही है इस पर्सन को लेकर, आपको भी रोमांटिक फीलिंग्स फील हो रही है जिस तरीके से इसकी थॉट्स है आपको लेकर, और एक प्यार जो आपको फील होता है, एक अटैचमेंट जो फील होती है, उसे कैसे छुपाएंगे, वो तो यूनिवर्स आप तक भेज ही रहे हैं, क्योंकि जो सोच रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी, और वो आप तक पहुंच भी रही है, तो यहीं पर ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि यस ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन सही समय आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स अच्छी हैं आपको लेकर, एक बार इसकी सोल जर्नी से भी मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ अगर कहना चाहेंगी तो इसकी इस पर्सन की सोल ये देख लेते हैं एक बार। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन, दोनों साइड से ही देख रहे हैं, आपकी साइड से भी अपनी साइड से भी, क्या एक्शन ले सकते हैं क्या नहीं, पर फिलहाल तो बहुत अकेलापन फील कर रहा है ये पर्सन, फेलियर, इसको लग रहा है जैसे ये कहीं फेल ना हो जाए इस कनेक्शन में, इसको फेलियर ना मिले, ये फेल ना हो जाए, इस तरह से इसको डर भी है, थोड़ा जेलिसी भी है कि आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो,
इस बात की जेलिसी भी है थोड़ी सी, फ्रीडम। जब तक ये अपने सारे के सारे बर्डन से फ्री नहीं हो जाते तब तक तो शायद इसको वेट ही करना पड़ेगा। सरेंडर किया हुआ इस पर्सन ने। इनडिसीजन, यस, अभी डिसाइड नहीं कर पाए लेकिन ये अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। हर तरह से अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करेंगे ये, ताकि ये डिसीजन ले सके। एंड डेथ, इसकी सोल चाहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं चेंजेस लाने के लिए अपनी जिंदगी में, इस कनेक्शन में। तो आप अगर एफर्मेशंस बोल दें तो अच्छा रहेगा, इनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप तो रेस्ट पर हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आपके पास काफी हद तक पीस है, लेकिन ये पर्सन अभी स्ट्रगल में है, टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। तो आप इनके लिए एफर्मेशंस बोल सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, ये आप दोनों के कनेक्शन के लिए फ्रूटफुल रहेगा। ओके, और देख लेते हैं एनर्जी, और हमें क्या पता चलेगा क्या है इनके मन में ओवरऑल, और देख लेते हैं कुछ बातें पता चलेगी तो यहाँ से। थिंकिंग मैन, कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं आपके बारे में, और क्या सोच रहे हैं ये भी मैंने बता दिया यहाँ पर। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी हीलिंग हो, आपको हैप्पीनेस मिले, इस पर्सन को हैप्पीनेस मिले, आप दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जियो। ये चीजें भी है यहाँ पर। देखो, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं, नो डाउट। आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके कॉन्फिडेंट को, ठीक है। ओवरऑल ये आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप इसके लिए स्पेशल हैं, नो डाउट। द वर्ल्ड, ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप तक पहुंचेंगे ये पर्सन, बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। ये अभी भी अपनी हीलिंग पर ही फोकस करेंगे, इसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, टाइम चाहिए। आज आपको 111 और 444 बहुत दिखाया। ओ माई गॉड, थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन, कपल, वी हैव कपल हेयर। दोनों ही, आप दोनों ही एक जैसा ही सोच रहे हो एक दूसरे के लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, जहाँ जहाँ आप दोनों हो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, बट आपको तो बिलीव है कि यस, जैसे कि यहाँ एक बटरफ्लाई है, आपको तो बिलीव है कि सिचुएशन चेंज होने वाली है, सिचुएशन अच्छी होने वाली है। आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा हड़बड़ी में, रेस्टलेस हो रहे हैं, बिकॉज ये टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, दैट इज़ वाई। तो अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अभी ये करना भी ठीक है, और आप तो इसलिए थोड़ा टेंशन फ्री हो रहे हो, बिकॉज यू नो दैट यू हैव वर्थ, यू हैव पावर, एंड यू, आपकी जितने जो भी प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर हैं, वो वर्क कर रही है, आपको इस बात पर बिलीव है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ से क्या आया, केयरिंग कनेक्शन। ये कनेक्शन केयरिंग है गाइज, आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो, तो ये केयरिंग कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिवर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में बनाया हुआ है जो पूरा होना है। तो आप थोड़ा सा ना पीस में रहने की कोशिश करें, और ठंडे दिमाग से ही एफर्मेशंस बोलें, ठीक है। लेट्स सी अभी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, ये भी देख लेते हैं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइन क्या आपको गाइड करेंगे, क्या बताएंगे, लेट्स सी। सरेंडर टू डिवाइन, जैसे कि इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को, आप भी सरेंडर कर दीजिए और अपने काम बराबर कीजिए। फुल मून एंड यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखो बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है यूनिवर्स ने, सरेंडर टू डिवाइन बिकॉज यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप दोनों सेफ हैं, दोनों सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ है, आपके लव्ड वन सेफ हैं, और आपको जो भी आपका कंसर्न है, यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन, और पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश करो, टेंशन फ्री हो जाओ, अपने काम बराबर करो, क्योंकि अब अच्छा ही आपको मिलेगा। जब डिवाइन खुद आपको सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको टेंशन फ्री होने की ज़रूरत है और अपना काम करने की ज़रूरत है बस, और ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। लाइफ को थोड़ा ईजी लो, और अपने ख्याल, अपना ख्याल पहले रखो, ठीक है, और लाइफ में खुद के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि जब अच्छे से खुद से फील करोगे तो फिर बाकी भी आपके लिए अच्छा फील करेंगे, और आप अच्छे से बात भी कर पाओगे, चिड़चिड़े भी नहीं रहोगे। तो लाइफ में अपनी खुशियां भी आपको देखनी चाहिए पहले, ठीक है। गाइस, दिस इज योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सॉरी, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस,
बाय, टेक केयर।